सिर्फ लोकसभा चुनावों के नतीजे नहीं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भी विधानसभा नतीजे आज हैं। और देखिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मैं आपको ताज़ा अपडेट दे रही हूँ। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटें हैं और उसमें से अगर आप देखेंगे टीडीपी 110 पे आगे चल रही है, वाईएसआरसीपी जो कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है वो 20 पर आगे चल रही है, जेएनपी 15 पे आगे चल रही है यानी पवन कल्याण की पार्टी, और बीजेपी 5 पे। और मैं आपको बता देती हूँ, इस बार एनडीए गठबंधन पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश में आगे चल रहा है क्योंकि टीडीपी जेएनपी और बीजेपी का यहाँ पर गठबंधन है और वाईएसआरसीपी यहाँ पर 20 पे। और देखिए, एग्जिट पोल अगर मैं टुडेज चाणक्य की भी बात करती हूँ तो हमने भी बताया था आंध्र प्रदेश में इस बार टीडीपी की अच्छी खासी जीत, यानी टीडीपी के साथ, क्योंकि वो एनडीए का साथी है, तो एनडीए गठबंधन की सरकार आंध्र प्रदेश में बनती हुई। और देखिए, ये जो दक्षिण इमेज है वो यहाँ पर टूट रही है बीजेपी की, एनडीए गठबंधन आंध्र प्रदेश में आगे चल रहा है। उड़ीसा की बात करते हैं, 147 विधानसभा सीटें हैं, इस पर बीजेपी 50 पर आगे चल रही है, बीजेडी यानी नवीन पटनायक की पार्टी 35 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 7 पर, सीपीआईएम 1 पर और इंडिपेंडेंट 1 पर। ये देखिए, पूरा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मैंने आपके लिए 10:30 बजे का अपडेट निकाला है। और अगर आप इधर देखेंगे, आंध्र प्रदेश में इस बार जो जगन मोहन रेड्डी की बहन है यानी शर्मिला, वो भी राहुल गांधी के साथ आ गई थी, लेकिन वो इस टैली में अभी तक कहीं पे भी नहीं है। तो देखिए, अगर मैं आपको और डिटेल्स बता देती हूँ, उड़ीसा का भी ग्राफ देख लीजिए कि कैसे अभी ट्रेंडिंग कर रही है बीजेपी। और देखिए, नवीन पटनायक जो भी वहाँ का, वहाँ पर राज चलता है वहाँ पे, और वहाँ वो अभी पीछे चल रहे हैं। और दोनों ही राज्यों में अगर आप देखेंगे विधानसभा में, शुरुआती रुझान ये बताते हैं कि दोनों ही जगह एनडीए सरकार यानी एनडीए गठबंधन आने वाला है। और देखिए, अगर मैं उड़ीसा की स्पेशली बात करती हूँ तो वहाँ पर कहा जाता था कि देखिए, लोकसभा चुनावों में तो बीजेपी जीत जाती है लेकिन विधानसभा में नवीन पटनायक यानी बीजेडी का पूरा पूरा राज कायम रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, तस्वीर इस बार एकदम उलट दिख रही है। उड़ीसा में आपको याद होगा कि अभी गठबंधन होने ही वाला था बीजेपी और बीजेडी का, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो टूट जाता है। और शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी वहां पर विधानसभा चुनाव में यानी उड़ीसा में इस बार बीजेपी सरकार बनाने वाली है। आपको पता है, संबित पात्रा जो कि स्टार प्रवक्ता रहे हैं बीजेपी के, वो भी पूरी सीट से लड़ रहे हैं। और अगर बीजेपी की लहर आ जाती है उड़ीसा में तो देखिए, बहुत ही फायदा होने वाला है। और आंध्र प्रदेश में भी अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि इस बार सब कह रहे थे, क्योंकि तेलंगाना ऑलरेडी कांग्रेस जीत चुकी थी और आपको पता होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एकदम सट के लगे हुए होते हैं, तो जैसा तेलंगाना में हुआ कहा जा रहा था कि वैसा ही आंध्र में भी होगा। वो जो कांग्रेस की लहर चली वहां पर तेलंगाना में, तो अब आंध्र प्रदेश में भी वैसा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। तो देखिए, टीडीपी वहां पर बहुत ज्यादा आगे। आपको ये भी याद दिला दूं कि नायडू हाल ही में जेल भी जाकर आए हैं, जेल से छूटे हैं, और अब ये जो एनडीए गठबंधन है दक्षिण का, ये पहला ऐसा राज्य, देखिए पहले कर्नाटक में उन्होंने लाजवाब पिछले साल किया था, और इस बार देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आगे चल रही है एनडीए गठबंधन। आई एम श्योर अभी आपका पूरा ध्यान लोकसभा चुनावों के नतीजे पर होगा, लेकिन फिर भी जो भी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से खबरें आ रही है हम लगातार न्यूज़ 24 पर आपको देते रहेंगे। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।